वेलकम बैक टू ग्रैंड डॉग्स ट्रेनिंग गाइस, जैसा कि आपको पता है हम इस चैनल पर बात करते हैं कि आप अपने डॉग को कैसे ट्रेन करेंगे। तो गाइस, आज हम ट्रेनिंग नहीं, आज हम लेकर के आए हैं डॉग को बहुत ही ज़्यादा जो हर डॉग को प्रॉब्लम रहती है ज़्यादातर, वो होती है लेग बेंड की प्रॉब्लम, ज़्यादातर डॉग्स में देखने को मिलती है ये। जैसा कि आप इस डॉग को दे रहे हैं, ये है ब्रूनो, ये आप इसके पैर देख रहे हैं, ये देखिए पैर इसके बेंड हो रहे हैं। गेट अप, ये देखिए इसके पैर जो है ना हल्के से ये बेंड होके यहाँ से ये बैंड हो रहे हैं और ये चीज़ बाहर फैल रही है, इसकी ये चीज़ जो है ये बाहर को निकल रही है। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो लेग बैंड जो होते हैं डॉग्स के, उनके रीजंस क्या हैं कि किन किन वजहों से ये लेग बैंड हो जाते हैं और उनसे बचाव क्या क्या है, जो जिनसे ये इनके जो अगर लेग बैंड हो भी चुके हैं अगर आपके डॉग के और अगर स्टार्टिंग है तो आप उनको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, जो आपके डॉग बिल्कुल एकदम फिट रहे। सो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा कि किन किन रीजन से ये प्रॉब्लम्स आपके डॉग को होने लग जाती है। सबसे पहली चीज़, ये डॉग में जो प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादातर मेनली प्रॉब्लम होती है करीब फोर मंथ तक जो होता है कि हमारे डॉग की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से होती है, तो उस टाइम तक ये प्रॉब्लम हमारे डॉग के अंदर देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। उसके बाद क्या होता है, अब आती है बात कि ये क्यों होती है। अब उसमें क्या है, हमारे डॉग में जब हम उसको विटामिन्स वगैरह और ये सारी चीज़ देते हैं तो अगर हमारे डॉग में कैल्शियम की कमी रहती है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और सेकंड होती है, जब हम अपने डॉग को रफ़ सरफेस पे नहीं रखते हैं, जब हमारे घर में अगर टाइल्स वगैरह लगी हुई है या फिर बहुत हमारा जो वो है फर्श जो है वो अगर चिकना है तो ये चीज़ हमारे डॉग के साथ में हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब हमारा डॉग चलता है तो जब हमारे डॉग के जो पॉज जो होते हैं वो पॉज जब ज़मीन पर रखे जाते हैं तो उसमें क्या होता है, जब जो उसके पॉज होती है वो ग्रिप नहीं बना पाते हैं, जैसे ही वो उसने ऐसे पैर रखे तो वो ग्रिप नहीं बन पाई उनकी और वो इस तरीके से फिसल जाते हैं। जब वो पैर रखेगा तो फिसल जाएंगे, तो क्या होगा, जब वो पैर फिसलेंगे एक बार नहीं रखेगा क्योंकि वो जितना भी एरिया है आपका टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं उस पर, जैसे उसने पैर रखा वो फिसल रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको देखना है कि अगर आपके डॉग के पैर फिसल रहे हैं तो आपको तुरंत इंस्पेक्शन लेना है और उस चीज़ को ठीक करना है, ठीक है। और थर्ड होती है सबसे मेन प्रॉब्लम, वो ये है कि अगर आपके डॉग की एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं हो पा रही है, प्रॉपर का मतलब कि अगर आप डॉग अगर खेल रहा है और अगर वो ज़्यादा भी खेल रहा है तो भी ये प्रॉब्लम होती है, और अगर आपका डॉग कम खेल रहा है कि अगर एक जगह बैठा हुआ है या फिर अगर खेल रहा है तो वो सिर्फ चिकना जो टाइल्स वगैरह जो है उस पर खेल रहा है तो भी ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और अगर आपका डॉग वॉक करने नहीं जा रहा है, वॉक करने का मतलब कि अगर आपका 4 मंथ तक का डॉग है तो आप तो वॉक मैं नहीं रेफर करूँगा कि आप वॉक कराएं, उसको बाहर लेकर के जाएं घर से अपने, तो घर में ही रखें, पर इसका ध्यान रखें कि वो उसको चिकने फर्श पर ना रखें या टाइल्स वगैरह पर ना रखें। अब ये एक हमारा ये जो ब्रूनो है इसके साथ में ये प्रॉब्लम हो चुकी है, इसकी एज करीब 3-3.5 महीने के आसपास है और इसकी जो प्रॉब्लम है ये लेग बैंड की प्रॉब्लम इसमें स्टार्ट हो चुकी है और ये काफ़ी हद तक हो चुकी है। ये देखिए जैसा कि इसके पैर आप देख रहे हैं, ये जब इसने पैर रखा अभी तक ये क्या था, अभी तक ये टाइल्स पे रहता था नीचे, जो इनकी टाइल्स है वो भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये देखिए टाइल्स पे रहता था। उसके बाद जब इसको ये प्रॉब्लम हुई, अभी तक क्या था, ये टाइल्स पे रहता था, तो जब इसको ये प्रॉब्लम क्या हुई, जब जैसे इसने पैर रखा ये चीज़ की बाहर निकलने लग गई, ये जब बाहर निकली तो ये जो है इसका ये जो पैर है ये जॉइंट होने लग गए थे। अब क्या करना है इसके लिए, जब ये भी हुआ उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा इसका जब एहतियात बरते और इसको हमने कहाँ कहाँ रखा है, अब मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। आइए अब बात करते हैं इसके बचाव के लिए कि आपको क्या क्या करना होता है। अब सबसे मेन होता है कि हमारे डॉग की जो फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग कैसी है, फ्लोरिंग अगर अभी तक हम इसको क्या चिकने टाइल्स वगैरह पे रहता था, जैसे कि आप इसके नीचे देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके की ये टाइल्स है, ये इस पर रहता था अभी तक। अब क्या किया हमने इसमें, इसको जो रखने का जो बनाया हमने, अब इस पर हमने ये जो जूट की एक मैट आती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, मतलब काफ़ी मोटी भी होती है और एकदम, अब ये देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल एकदम रफ है और ये इस पर रहता है। तो क्या है, इसमें क्या होगा, जब भी ये इस पर चलेगा या फिर इस पर रहेगा तो इसका जो पैर है ना, जो वो ग्रिप बनेगी, जहाँ ये पैर रखेगा वहीं की वहीं ग्रिप बनेगी, इसके पैर फिसलेंगे नहीं। तो उससे क्या होगा, अभी तक जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इसके साथ हो चुकी थी वो प्रॉब्लम भी जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ेगी तब तक वैसे वैसे इसका जो ग्रिप है वो बिल्कुल ठीक होती जाएगी। तो अगर आप सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो यही है कि अगर आपका डॉग अगर चिकने सरफेस पर रह रहा है तो उसको रफ सरफेस पर रखिए, किसी ऐसे सरफेस पर रखिए जिससे कि उसकी ग्रिप बनती, उसके पॉज जो हैं जब वो रखेगा तो उसकी ग्रिप बनती रहे सरफेस पे, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड कि अब अपने डॉग को, आपने अगर कैल्शियम वगैरह की कमी हो रही है तो उस चीज़ को पूरा करिए,
इससे अगर आपका डॉग कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर कैल्शियम में आपका कैल्शियम की कमी है, उसमें विटामिन डी वगैरह ये सारी चीज़ें आप उसको दे सकते हैं। वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके रखिएगा और बिल्कुल ठीक रहेगा, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब थर्ड होता है कि अगर आपका डॉग, अब जब डॉग हमारा ये करीब 3 मंथ का हो चुका है, 3 मंथ से होकर के 4 मंथ का होने वाला है, तो अब क्या करता हूँ मैं, इसको बाहर ले जाता हूँ वॉक कराने। अब मैं इसको बाहर वॉक कराने लेके जाता हूँ। वॉक कराने से क्या है, इसकी एक्सरसाइज होती है। अभी तक क्या था, ये अंदर टाइल्स पे रहता था, टाइल्स पे भागता था, सब कुछ करता था, पर इससे एक्सरसाइज की नहीं होती थी और इसकी दिक्कतें बढ़ रही थी। अब इसको क्या है, अब नीचे टाइल्स से बिल्कुल रखना बंद कर दिया है। अब इसको सिर्फ यही रहता है ये, बाकी आप छत देख रहे हैं, छत पे ये घूमता है, क्योंकि छत पे भी कोई चिकना ऐसा नहीं है। इसका जो इसकी ग्रिप है वो बन जाती है अच्छे से, इस वजह से इसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसे जैसे ये इसकी हाइट बढ़ेगी, एज बढ़ती रहेगी, तो वैसे वैसे ये लेग की जो प्रॉब्लम है वो इसकी ठीक होती रहेगी। तो आप इन्हीं चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। और अगर आपने नया डॉग लिया है और पपी है, तो आप बिल्कुल डे वन से जब आप लेकर के आए घर में, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि अपने डॉग को किस तरीके से रखना है, कि रफ सरफेस पे रखना है कि चिकने सरफेस पे रखना है, इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। और अगर नहीं अगर रखते हैं, तो जैसा आपके पास अभी ये एग्जांपल है कि अभी कितनी कम एज है और उसके बाद भी इसके पैर लेग जो है वो बैंड होने लग गए हैं, वो तो ये है कि आप स्टार्टिंग से इसका थोड़ा सा ध्यान कर लिया गया है, कि अगर इसको कोई थोड़ी बहुत दिक्कत हुई तो तुरंत इसको एक्शन ले लिया गया कि हाँ कि इसके साथ क्या करना चाहिए, इसको कहाँ कौन सरफेस पर रखना चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा कुछ टाइम तक। इसलिए आप भी अपने डॉग का इतना ध्यान रखें कि हमारा डॉग जो है उसके पैर बैंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और अगर होना स्टार्ट हो गए हैं तो आप उसको कैल्शियम वगैरह और ये सारी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें कि उसको रफ सरफेस पे रखें, उसको ज़्यादा चिकने पर ना जाने दें। और ये अगर नीचे भी जाता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ दिन भर में पूरा बहुत कम टाइम रहता है ये नीचे, बाकी फुल टाइम ऊपर रहता है। और ऐसा नहीं है कि हम जब हमने इसको ऊपर रखा है तो इसके साथ हमारा कोई खेलना वलना कुछ नहीं होता है, इसके साथ हम खेलते हैं आके, बाकायदा इसके साथ पूरा टाइम दिया जाता है। जो टाइम हम नीचे देते थे इसके साथ, वही टाइम इसको यहाँ दिया जाता है, सुबह शाम का टाइम तो इसका फिक्स है। बाकी ये जैसे कभी नीचे जाके नीचे रहता है तो उस टाइम पर भी इसको ये ध्यान रखते हैं हम लोग कि इसमें इसको कहीं उस पे ना रख, टाइल्स पे ना हो। ये इसका जो हमने एक छोटा सा बेड बनाया हुआ है उसका है, कपड़े का है, इसका एक मैट बना दिए, वहाँ भी जाके नीचे इस तरीके की मैट है, वहाँ पर रहता है, ठीक है। और इसलिए इसकी बेड जो प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक अब ठीक हो रही है और आने वाले टाइम तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। और गाइस, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है अपने डॉग में किसी भी तरीके की, आपके डॉग के पैर बैंड हो रहे हैं या कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट के जरिए से पूछ सकते हैं, और साथ में मेरा स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहा है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।